नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी के पटाखा बाजार में धमाका, 25 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस्लामिक स्टेट ने ली बर्लिन हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तानी मूल के हमलावर नावेद बी ने ट्रक से दर्जनों लोगों को था रौंदा। हमले में 12 लोगों की मौत जबकि 48 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। सार्क के बाद भारत ने किया पाकिस्तान में होने वाले एक और सम्मेलन का बहिष्कार। टिकाऊ विकास पर हो रहे क्षेत्रीय सम्मेलन से बनाई दूरी। बांग्लादेश और ईरान ने भी सम्मेलन का किया बहिष्कार। तनातनी के बाद चीन ने अमेरिका को ड्रोन लौटाया। दक्षिण चीन सागर से चीन ने जब्त किया था ड्रोन। चीन की इस हरकत को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चोरी करार दिया था। पेरू में गहरी खाई में गिरी बस, 12 पुलिस कर्मियों की मौत, 13 से ज्यादा घायल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। और इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। बांदा समुद्र से 158 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ